दर्पण सूत्र। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले इस चित्र को समझिए। ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने ये वस्तु रखी है, इसको हम वस्तु कहेंगे। ये है वस्तु, यानी बिंब या वस्तु। अथवा वस्तु। और ये क्या है? इसका प्रतिबिंब। अब समझिए आप, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी है, इसको U से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की दूरी, वस्तु या बिंब की दूरी, बिंब, बिंब भी कहते हैं वस्तु को, की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं? दूरी बराबर है U। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी प्रदर्शित करते हैं V से। देखो ये रहा V। फोकस दूरी, फोकस दूरी प्रदर्शित करते हैं छोटा एफ से। ये सभी स्मॉल लेटर हैं, यू वी एफ। और दर्पण सूत्र होता है एक बटा एफ बराबर है एक बटा वी प्लस एक बटा यू। ये दर्पण सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार हमने क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इनके अंदर इन सब के चिन्ह लगेंगे, और वो चिन्ह परिपाटी क्या है पहले आप वो समझेंगे, तब जाकर आपको ये क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए चिन्ह परिपाटी समझना जरूरी है। तो क्या चिन्ह परिपाटी क्या है? देखिए, चिन्ह कैसे होंगे? नंबर एक, सबसे पहली बात, सभी दूरियां जो आपको बता रहा हूं, ये ध्यान देखिएगा आप, सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती हैं। मतलब शुरुआत कहां से करनी है? P से करनी है। P से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे सभी दूरियां। दूसरी बात, ये जो किरण इससे आ रही है, इस किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं जो, और आपतित किरण क्या, कहां से कहां होती है? हमेशा वस्तु से दर्पण की ओर होती है, वस्तु से दर्पण की ओर। ये इसकी दिशा है, ये दिशा है इसकी, वस्तु से दर्पण की ओर। जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में होती हैं, उनको हमने धनात्मक लेना है, उनको प्लस चिन्ह लेना है। अभी आप समझिए, फिर जब सवाल करेंगे तो यही बातें हम नोट जो आप कर रहे हैं, यही बातें उसमें लगेंगी। इसलिए आप साथ के साथ इसको नोट कर सकते हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरे, आपतित किरण की दिशा में की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। जो दूरी आपतित किरण की दिशा में होगी वो धनात्मक लेंगे हम उसे, वो धनात्मक। शुरुआत P से करनी है और आपतित किरण की दिशा में होनी चाहिए दूरी, तो वो धनात्मक।
आपतित किरण के विपरीत, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। इसके अलावा मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर ऊंचाई धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। ऊपर की ओर जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक और जो नीचे की तरफ होगी उसे हम ऋणात्मक कहते हैं। ये मुख्य बातें हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापनी है। आपतित किरण की दिशा, जैसे आपतित किरण की दिशा इधर से इधर है, दिशा कौन सी होती है? हमेशा वस्तु से दर्पण की ओर होती है। तो ये इधर मापेंगे वो धनात्मक, कहने का मतलब इस P से इस तरफ यानी पीछे की तरफ दूरियां जो होंगी वो धनात्मक, और अगर विपरीत यानी P से लेके इधर दूरी मापेंगे विपरीत में सामने की दूरियां वो समय हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक। तो इसको हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे की दूरियां धनात्मक लेनी है और सामने की दूरियां ऋणात्मक लेनी है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक और नीचे की ऊंचाई ऋणात्मक लेनी है। इसके अतिरिक्त एक और आवर्धन सूत्र, आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन प्रतिबिंब तथा वस्तु की ऊंचाइयों के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम M से प्रदर्शित करते हैं बेटा। M क्या कहा है? देखिए, प्रतिबिंब तथा वस्तु की ऊंचाइयों के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई यानी बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम H डैश से कह सकते हैं। H डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई कह दीजिए, वस्तु की ऊंचाई को H कह दीजिए, और ये इसके अतिरिक्त माइनस V अपॉन U। V क्या है? अभी हमने किया था प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है? वस्तु की दूरी। इसके बराबर भी होता है। ये आवर्धन सूत्र है। इसको क्या बोलते हैं? आवर्धन सूत्र।
जिसमें एच डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, एच का मतलब वस्तु की ऊंचाई, माइनस वी बटे यू, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी और यू मतलब बिंब यानी वस्तु की दूरी। अब एक और चीज, वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब के लिए एम ऋणात्मक होता है। तथा आभासी तथा काल्पनिक के लिए आभासी व सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान यानी m का मान धनात्मक होता है। ये न्यूमेरिकल करने के लिए अति आवश्यक पॉइंट है, ये जितने भी आपको बताए गए। एक, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी यानी सामने सामने की दूरियां ऋणात्मक, पीछे की दूरियां धनात्मक, ऊपर की धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक। तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, देखिए बिल्कुल छोटी सी बात, ये एक दर्पण, इसके सामने की दूरियां माइनस, पीछे की दूरी प्लस, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ की ऊंचाई माइनस। सीधी सी बात है, ये इधर की दूरियां ऋणात्मक, इधर की धनात्मक, ऊपर की धनात्मक, नीचे की ऋणात्मक, ये बातें ध्यान रखो। अब इसके बाद इनका उपयोग क्या है, जो आपको बताया इसको कैसे हमने अप्लाई करना है, अभी आपके सामने आ जाता है। देखिए एक 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने पचास सेंटीमीटर की दूरी पर पांच सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, रखी है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और उसके सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु रखी है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए अब आप देखिए,
20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, उसके सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो हमने उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है और प्रकृति ज्ञात करनी है। ये देखिए अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव, यहां पे मान लीजिए इसका सी, तो ये एफ। अब आप देखिए इसने क्या कहा, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, इसका मतलब आप सीधा सा है कि यहां से लेके यहां तक ये दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और वस्तु कहां रखी है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, ये 20 है तो ये भी 20, 40 हो गई, क्योंकि एफ ठीक सी और पी के बीच में होता है, तो ये अगर फोकस दूरी 20 है तो सी पी की दूरी कितनी हो जाएगी, 40, और ये कितनी दूर रखा है, 50, यानी इससे भी दूर, यहां पे रखा है। तो इससे चित्र बनाइए आप कैसा बनता है, यहां से प्रकाश की किरण जाएगी सीधी, और सीधी वाली कहां से, यानी समांतर जाएगी, और समांतर वाली कहां से, फोकस से गुजरेगी, दूसरी कहां से, फोकस से, और फोकस वाली जैसे ही दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वापस इसी दिशा में आ जाती है। तो दोनों कहां मिल रही हैं, दोनों आप देखिए यहां मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन गया, ये वस्तु थी ए बी, इसका प्रतिबिंब मान लिया, ये बन गया ए डैश बी डैश, कहां बना, सी और एफ के बीच में। इसका मतलब हमें इस प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब इसकी दूरी जो है सी और एफ के बीच में है, तो 20 से ज्यादा आएगी और 40 से कम। ध्यान से नोट कीजिएगा, कैसे बता दिया मैंने 20 से ज्यादा और 40 से कम, क्योंकि आप देखिए ये बना, ये यहां क्यों बना, देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा इस बात पे निर्भर करता है कि वस्तु कहां रखी है, वस्तु कहां रखी है, सी से परे। आपको जो 6 केस करवाए गए थे उन केस में ध्यान दीजिए, देखिए जिसमें वस्तु सी से परे रखी हुई है प्रतिबिंब कहां बनता है, सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में ये बन रहा है। बनाने का तरीका क्या है कि आप एक किरण को समांतर ले जाओ, उसको फोकस से गुजारो, दूसरे को सी से गुजारो, वापिस आ जाएगी, दोनों जहां मिल रही है वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब का की दूरी जो है 20 से ज्यादा 40 से कम कैसे होगी, क्योंकि ये सी और एफ के बीच में है, एफ 20 आपको पता है, और सी की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो ये 20 और 40 के बीच में है, कहीं ना कहीं ये आएगा। अब इसको करना कैसे, करने के लिए देखिए आप सबसे पहले देखिए दिया हुआ क्या है, यू यानी वस्तु की दूरी दे रखी है आपको, यू, यू का मतलब वस्तु की दूरी। आप पीछे चलिए, आपको बताया गया था यू वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, एफ फोकस दूरी, तो वही चीज है यहां पे, आपने वस्तु की दूरी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो यू, यू कितना है 50 सेंटीमीटर। अब सीधी सी बात यह है, ये तो पता लग गया हमें 50 सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पर कुछ बातें और बताई गई थी आपको कि जो दूरियां सामने होती हैं वो ऋणात्मक लेनी होती हैं, सामने की सभी दूरियों को ऋणात्मक लेना है। आप देखिए दर्पण के सामने है वस्तु, वस्तु हमेशा ही दर्पण के सामने होती है, तो U हमेशा ऋणात्मक रहेगा, यानी 50 की बजाय क्या लिखना पड़ेगा आपको, -50 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होगी और सामने की दूरियों को हमने ऋणात्मक लेना है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया है कि जो दूरियां आपतित किरण की दिशा में होंगी वो धनात्मक हैं, और हम यहां से लेके इसको इधर माप रहे हैं, उल्टा माप रहे हैं, क्योंकि पीछे शुरू करना होता है, उल्टा जा रहे हैं, इसके विपरीत है, इस करके ये माइनस। दोनों ही बातें कुछ भी समझ लीजिए आप, या पी से शुरू करना है और विपरीत जा रहे हैं, हम उल्टा जा रहे हैं, यहां तक पहुंचना है, इसके विपरीत जा रहे हैं, तो माइनस,
या आप कह दीजिए कि जो सामने की दूरियां हैं वो माइनस फोकस दूरी, सॉरी एफ फोकस दूरी जो है वो भी सामने ही है माइनस 20। आपने V निकालना है, सबसे पहले V निकालोगे, V कैसे निकलेगा? दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या था अभी किया था हमने, दर्पण सूत्र एक बटे एफ बराबर है एक बटे वी प्लस एक बटे यू, ये दर्पण सूत्र है। तो एफ का मान रखिए, एफ का मान है माइनस 20 यानी एक बटा माइनस 20, वी का मान निकालना है, यू माइनस 50 यानी एक बटा माइनस 50, तो ये क्या बन गया, माइनस एक बटा 20 बराबर एक बटा वी माइनस एक बटे 50। इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस एक बटा 20 प्लस एक बटे 50 बराबर है एक बटा वी, क्योंकि ये इधर माइनस है तो ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस बन गया। अब 20 और 50 का लघुत्तम लीजिए, क्या बनेगा, 100 बनेगा। तो 20 पंजे 100 और 50 दूनी 100 बराबर एक बटा वी, ये क्या आ गया, माइनस 5 प्लस 2 यानी माइनस के 3 बटे 100 बराबर है एक बटा वी। तो वी का मान क्या हो जाएगा, पलट दो इसको, पलट दो तो वी बराबर है क्या हो जाएगा, माइनस 100 बटे 3 यानी के माइनस 33.33 सेंटीमीटर। अब आप देखिए v सामने ही तो बन रहा है, सामने बन रहा है तो v का मान माइनस आना चाहिए, माइनस ही है। दूसरा क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी हो गई है और निकालना हमने प्रकृति, माइनस आया है v माइनस हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब, अगर माइनस आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक क्योंकि सामने बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक, और जो वास्तविक होते हैं वो उल्टे, वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा और वास्तविक प्रकृति होगी। अब ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई के लिए हमें आवर्धन सूत्र लगाना पड़ेगा, हमें पता है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h बराबर है माइनस v बटे u, ये आवर्धन सूत्र है। इसमें मान रखिए ये h डैश का मान तो हमने निकालना है, इसलिए h डैश बटे वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बराबर है माइनस v, v का मान है माइनस 100 बटे 3, ये नहीं लगाना दशमलव वाला, ये लगाना है माइनस 100 बटे 3, माइनस 100 बटे 3 बटे में u, u का मान है माइनस 50, ये भी माइनस 50, इस माइनस से माइनस काट दो तो क्या आ जाएगा, एच डैश बटे 5 बराबर है माइनस 100 बटे 3 बटे 50, 50 से कट गया 2 और एच डैश बराबर है माइनस 2 बटे 3 और 5 को उठा के इधर ले जाओ क्या हो जाएगा, माइनस 10 बटे 3 यानी माइनस 3.33 सेंटीमीटर, ये वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई आ गई। तो इस प्रकार से हमने सवाल करने हैं, इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चिन्ह कौन सा लगाना है, ये चिन्ह का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, अगर चिन्ह का ध्यान नहीं रखोगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, बिना चिन्ह के नहीं, ये सीधे सवाल नहीं होते, तो इसलिए जो चिन्ह परिपाटी आपको बताई गई है पहले उसको अच्छी तरह से करेंगे कि सामने की सभी दूरियां ऋणात्मक और पीछे की धनात्मक, ऊपर की सभी ऊंचाइयां धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि किस दर्पण में कौन सी दूरी कैसी लेनी है आपको, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण, और इधर लिख देते हैं उत्तल दर्पण में,
किसका चिन्ह कौन सा लेना है, वस्तु की दूरी यानी u ऋणात्मक, माइनस लगा के छोड़ दिया हमने, इसमें भी u ऋणात्मक, यानी u तो होगा ही ऋणात्मक क्योंकि वस्तु की दूरी है और वस्तु हमेशा सामने रखी जाती है और जो दूरियां सामने होंगी वो सभी क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। इसके बाद फोकस दूरी, फोकस यानी f, सीधा मैं सिंबल यूज कर रहा हूं, f फोकस, अवतल दर्पण में फोकस ऋणात्मक लेना है आपको, लेकिन उत्तल दर्पण में फोकस को धनात्मक लेना है, प्लस का लेना है। मतलब जब सवाल में दे रखा होगा ना इसकी फोकस दूरी ये है, अगर अवतल है तो माइनस लगा दो और उत्तल है तो प्लस। v यानी प्रतिबिंब की दूरी, माइनस किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो माइनस का v, या आप यूं भी कह सकते हैं उल्टा प्रतिबिंब, वो वास्तविक ही होता है हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो या उल्टा प्रतिबिंब हो तो v ऋणात्मक लेना है, या v निकला है तो वो माइनस आना चाहिए। आभासी के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए या फिर सीधा प्रतिबिंब, सीधे प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर बनेंगे, उसके लिए सीधा प्रतिबिंब हो या आभासी प्रतिबिंब हो तो v का मान धनात्मक। दो स्थितियां हैं यहां पे, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और इसके अतिरिक्त आभासी भी हो सकता है, आभासी है तो धनात्मक और वास्तविक है तो ऋणात्मक। उत्तल दर्पण में आपको पता है प्रतिबिंब हमेशा क्या बनते हैं, आभासी बनते हैं, वास्तविक होते ही नहीं, तो v का मान हमेशा धनात्मक आएगा या धनात्मक आपने लेना है। तो ये आपने ध्यान रखना है, अवतल दर्पण में u माइनस, उत्तल में u माइनस, अवतल दर्पण में f यानी फोकस दूरी माइनस की लेनी है, उत्तल में प्लस की लेनी है। v का मान या तो निकालना होता है या दे रखा है, तो आपने वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस और आभासी के लिए प्लस, और उसमें आभासी बनता है उत्तल में, इसलिए हमेशा प्लस।